भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के महामुकाबले में टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को वार्नर और स्मिथ का साथ जरूर मिला, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने विकेटों की झड़ी लगा दी। सबसे पहले स्टीव स्मिथ को 28वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पवेलियन भेजा। इसके बाद मार्नस लाबुशेन को 41 गेंदों में 27 रन बनाकर जडेजा ने पवेलियन भेजा 30वें ओवर में, और उसी ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी को रविंद्र जडेजा ने चलता किया है। LBW आउट हुए हैं यहां पर एलेक्स कैरी, और ऑस्ट्रेलिया को पांचवा झटका यहां पर लग गया है। फिलहाल 30 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 119/5। भारत की कोशिश यही होगी कि भारत किस अंदाज से जल्द ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट करेगी। अगर यहाँ पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द ऑल आउट करना होगा। फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पर गेम भारतीय टीम खेल रही है, 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी थी, अब भारत की उम्मीदें यही हो रही हैं कि भारत कम से कम 200 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे ताकि इस मुकाबले को आसानी से जीता जा सके। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन इसके बाद भारत के स्पिनर्स गेम में आए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से कसी हुई गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।